नाज़रीन, ज़मीन पर तो हमारे पास रहने के लिए खूबसूरत बिल्डिंग्स मौजूद हैं और इन्हें तामीर करने की हमारे पास हज़ारों ऑप्शंस हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम चांद या मरीख पर रिहाइश इख्तियार करने जाएं तो रिहाइश के लिए हमारे पास क्या क्या और कैसी ऑप्शंस वहां पर मौजूद होंगी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1975 में दुनिया की आबादी 4 अरब थी और 1980 के बाद इसमें इंतहाई तेजी देखने में आई और यूं 2011 में हम 7 अरब के हिस्से को छू गए, जबकि मौजूदा सूरत हाल यह है कि हर 1 सेकंड बाद इस सियारे पर 3 अफराद का इजाफा हो जाता है और यूं 1 मिनट बाद 180 और 1 घंटे बाद 10,800 लोगों का इस जमीन पर इजाफा हो जाता है। यानी जब साल मुकम्मल होता है तो 94 मिलियन नए लोग हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। याद रहे, ऑस्ट्रिया की आबादी इस वक्त 18 मिलियन है, जबकि 94 मिलियन लोगों का हर साल इस सियारे का हिस्सा बनना मतलब हर साल 5 ऑस्ट्रिया इस जमीन पर नए शामिल होते हैं। नाज़रीन, अगरचे आबादी को कंट्रोल रखने और इंसानियत को वसाइल की मुश्किलात से बचाने के लिए कुदरत का एक नेचुरल सिस्टम मौजूद है कि वो हर 1.5 सदी बाद कोई बहुत बड़ा डिजास्टर मुतारफ करवाती है, कभी आलमी वबाएँ तो कभी आलमी जंगें जिसमें करोड़ों इंसान मारे जाते हैं, लेकिन बतौर इंसान इंसानियत को महफूज बनाना और इन्हें अच्छे तरीके से एडजस्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर हर साल 5 ऑस्ट्रिया इस ज़मीन में नए शामिल होते हैं तो इसका वाज़े मतलब है कि हमें जल्द अज जल्द चांद और मरीख की तरफ मूव होना होगा। अब चांद का मसला यह है कि वहाँ कोई एटमोसफेयर नहीं है, तो वहाँ पर लाइफ कैसे जमेगी। अब नाज़रीन, रिसर्चर्स के बकौल हालिया रिसर्च में चांद पर हज़ारों की तादाद में वसी और लंबी चौड़ी लावा ट्यूब्स दरियाफ्त हुई हैं। ये दरअसल जेर ज़मीन आतिशफशां बहने से बनने वाली गारें हैं जो कि 100-100 किलोमीटर तक तवील और कई किलोमीटर तक जो है वो चौड़ी होती हैं। इसी तरह की कई गारें मरीख पर भी दस्तियाब हुई हैं जो कि खसूसन ओलंपस पहाड़ के गिर्द पाई जाती हैं। अब साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि जिस तरह हमने इस सियारे पर ज़िंदगी का आगाज़ गारों से किया, हमने बहुत बुनियादी तर्ज के आलात की मदद से इस सियारे पर एक बहुत बड़ी इंसानी तहजीब की बुनियाद रखी, बिल्कुल इसी तरह हम चांद की गारों में पहला इंसानी शहर बसाकर एक नया आगाज़ कर सकते हैं, जिसका प्रोसीजर कुछ यूँ होगा कि लावा ट्यूब्स में ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तमाम एलिमेंट्स को जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन वगैरह एक तयशुदा कैलकुलेशन के तहत इन गारों में इन गैसेस को भरा जाएगा और इन गारों के मुंह सील कर दिए जाएंगे। उसके बाद सिमुलेशन डाटा के मुताबिक एनालिसिस किया जाएगा कि हम इंसान इन गारों में सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। अब नाज़रीन, गारों में रिहाइश के बाद सेकंड ऑप्शन है बसाल्ट फाइबर से बना मरीखी घर। ये मरीख पर हमारी पहली रिहाइश गाह का डिज़ाइन है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसे 3D प्रिंटर के जरिए बसाल्ट फाइबर जो कि मरीख की चट्टानों में कसरत से मौजूद है और उसके बाद बायोप्लास्टिक जो कि मरीख पर ही प्रोड्यूस किया जाएगा से बना ये घर आपको मरीख के 0 एटमॉस्फेयर में खतरनाक खलाई लहरों और मरीख की बे इंतहा गर्मी और सर्दी से बचाएगा। नासा के बकौल, अगर हम किसी तरह इस घर में ज़िंदगी बहाल रखने में कामयाब हो गए या चांद की लावा ट्यूब से हम ज़मीन के अलावा भी किसी दूसरे सियारे पर इंसानी तहजीब की दागबेल डालने में कामयाब हो गए तो फिर इस सियारा ज़मीन की बे इंतहा तेज़ी से बढ़ती आबादी और जगह की कमी के मसाइल से छुटकारा पाया जा सकता है। बहरकैफ नाज़रीन, नतायज अब कुछ भी हों, मरीख पर रिहाइश इख्तियार करना और चांद की लावा ट्यूब्स में पहली इंसानी तहजीब के पहले ममार बनना यकीनन हमारे लिए एक दिलचस्प तजुर्बा होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये मुख्तसर वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मालूम हो कि हम किस हद तक अपना काम बेहतर कर पा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।